आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन उनका दूसरा कार्यकाल शुरू होने से पहले ही उन्हें देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के चर्चित बाटला कांड के मामले में हरियाणा सरकार की जांच को खारिज करते हुए नए सिरे से जांच के आदेश दिए हैं। दलित उत्पीड़न के चर्चित केस में अब नए सिरे से जांच होगी। हरियाणा के चर्चित बाटला कांड में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच के जस्टिस एमएस सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार ने कहा कि बाटला सामाजिक बहिष्कार मामले में पीड़ित पक्ष की तरफ से नामित दो रिटायर्ड पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व में जांच होगी। यूपी के पूर्व डीजीपी रहे विक्रम चंद्र गोयल और कमलेंद्र प्रसाद अब बाटला केस की जांच करेंगे। हमने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की थी 2018 में, और उसमें बाटला में जो दलितों का सामाजिक बहिष्कार हुआ था उस मामले में हरियाणा पुलिस की जो भूमिका थी वो सवालों के घेरे में थी। हरियाणा पुलिस ने पीड़ित दलितों की पैरवी करने की जगह सामाजिक बहिष्कार करने वाले जो आरोपी थे उनकी मदद करने का काम किया था, जिससे पीड़ित दलित बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे। हरियाणा पुलिस ने उल्टा दलित समाज के जो पैरवी करने वाले थे, जिन्होंने सामाजिक बहिष्कार के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था, उन लोगों के खिलाफ ही झूठे मुकदमे दर्ज करने का काम किया था। इस सारे मसले से दलित बहुत ज़्यादा खफाते पीड़ित थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पटिशन फाइल की थी और वो पटिशन 2019 से चल रही है। आज 2024 आज के दिन सुप्रीम कोर्ट का उसमें आखिरी फैसला आया है, और हमने उसमें एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन की मांग की थी, और हमारी बात मानते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के दो रिटायर्ड डीजीपी हैं उनकी अध्यक्षता में एक एसआईटी बनाई है और पूरे भाटला प्रकरण की दोबारा जांच करने के आदेश दिए हैं। और इस जांच के बाद 3 महीने के अंदर एसआईटी को टाइम दिया गया कि 3 महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश करें। हरियाणा का बाटला कांड उदाहरण है कि आज भी हमारे देश में जातिवाद चरम पर है। गांव के नलके से पानी भरने को लेकर शुरू हुआ ये विवाद हिंसा में तब्दील हो गया और बाद में दलितों का सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार कर दिया गया, उनका हुक्का पानी बंद कर दिया गया। मामला 15 जून 2017 का है, जब भाटला गांव के दलित जातिवाद का शिकार हुए थे। भाटला गाँव में 15 जून 2017 को एक सार्वजनिक हैंडपम्प है जो हमारे बिजली घर में लगा हुआ है, और जिससे पूरा गांव पीने के पानी को कलेक्ट करता है वहां से, और वहां उस हैंडपम्प के ऊपर नंबर लगता है जैसे भी जो लाइन वाइज आता है उसमें। तो जैसे ही हमारे दलित समुदाय के लड़के थे जो पानी भरने के लिए गए हुए थे उनकी बारी आई, तो उनकी जो वो कैनी वगैरह थी जिसमें वो पानी कलेक्ट करके ले जा रहे थे उसको हटाया, और सवर्ण जाति के लोगों ने ये कहा कि ये हमारी बारी है, हम भरेंगे। तो हमारे लड़कों ने कहा कि भाई नहीं, हमारी बारी है, हम 1.5 घंटे से बैठे हुए थे और आप तो अभी आए हो। बोले नहीं, हम भाई जाट है, हम ब्राह्मण है, पहले हम भरेंगे। तो उनको वहाँ से हटा दिया और वो भरने लग गए। लेकिन हमारे जो लड़के थे वो भी पढ़े लिखे थे, और जो अम्बेडकरवादी जो सोच है वो उस कुछ चले हुए थे उस पर, तो उन्होंने उसका विरोध किया, तो उनमें मारपीट हो गई, और मारपीट में 5 लोग हमारे इंजर्ड हो गए उसमें। भाटला कांड में हरियाणा की बीजेपी सरकार और हरियाणा पुलिस की भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े हुए थे। उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने जांच में पक्षपात किया है। संघर्ष समिति के जो सदस्य थे जो इस सामाजिक बहिष्कार के मामले की पैरवी कर रहे थे, विकास बाटला, अजय बाटला, पवन कुमार, राजेश कुमार, जय भगवान सोडी, अमिताभ और सुनील बाटला और जितने भी हमारे साथी थे, सभी को झूठे मुकदमे में फंसाने का काम किया, सभी के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज किए, और इन लोगों को भी अपनी जमानतें करानी पड़ी। और यही नहीं, बाटला सामाजिक बहिष्कार प्रकरण में पुलिस के हौसले इतने ज़्यादा बुलंद थे कि उन्होंने सेशन जज के नाम पर भी झूठी रिपोर्ट बनाकर जुडिशरी को भी गुमराह करने का काम किया, जिसके बाद हिसार के सेशन जज ने भी इस मामले में हरियाणा पुलिस के खिलाफ स्ट्रिक्चर पास किया। तो हरियाणा पुलिस की जो एक तरफा जाँच थी, जो सामाजिक बहिष्कार के मसले को दबाने के लिए की गई थी, दलितों को दबाने के लिए की गई थी, इस सारे मसले पर हम लोगों ने पिटीशन दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में कि हरियाणा पुलिस ने एक तरफा जांच की है, दलितों के केस को कमजोर करने के लिए जांच की है,
सामाजिक बहिष्कार करने वाले को मदद करने का काम किया गया है। और आपको ये बताया कि जो हमने सामाजिक बहिष्कार का मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें हमारे खिलाफ मुनादी की गई थी, उस मामले में आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि 28 लोगों ने ये कहा था कि हमारा सामाजिक बहिष्कार किया गया है। पुलिस ने उनमें से किसी को भी सामाजिक बहिष्कार के केस में गवाह नहीं बनाया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा गवाह किनको बनाया गया, गवाह उनको बनाया गया जिन्होंने सामाजिक बहिष्कार किया था। तो इन सारे बिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और सुनवाई करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज निर्णय लिया है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी, पुनः जांच होगी। हमने दो नाम दिए थे, उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP हैं दो, उनके नाम दिए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उनके नाम पर मोहर लगाते हुए, हरियाणा सरकार के जो वकील थे उन्होंने भी इस बात पर सहमति जताई कि हमको जांच में कोई एतराज नहीं है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया है कि इस मामले में पुनः जांच हो और जो SIT बनाई गई है उन अधिकारियों को आदेश दिया है कि 3 महीने के अंदर इस मामले में अपनी जांच रिपोर्ट पेश करें, उसके बाद जैसी भी स्थिति होगी उस बारे में आगामी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। भाटला गांव के पीड़ित परिवार अभी भी दहशत में हैं, लेकिन उन्हें अब उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिल सकेगा। 7-8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था और जैसे ही मुकदमा दर्ज हुआ पूरे गांव में हड़कंप मच गया और गांव के जो सवर्ण समाज के लोग थे उन्होंने दलित समुदाय के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया कि भाई इस मुकदमे में फैसला कर लो नहीं तो अपना भाईचारा खराब हो जाएगा। तो उस मुकदमे में जो दलित समुदाय था उसने समझौता नहीं किया और उस एवज में 2 जुलाई 2017 को गाँव में जो सवर्ण समुदाय है उसके द्वारा एक मीटिंग बुलाई गई और उस मीटिंग के अंदर एक फरमान जारी किया गया और उस फरमान जारी करके गांव के जो चौकीदार था उसको बुला के दलित मोहल्ले के अंदर मुनादी करवा दी कि भाई कोई भी शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति, महिला, बुजुर्ग, पुरुष भाई कोई खेतों में नहीं घुसेगा और ना इनको कोई भाई किसी प्रकार का व्यवहार करेगा इनसे, ना भाई जो बार्बर है उनके बाल काटेगा, शॉपकीपर इनको कोई सामान नहीं देगा, डेयरी वाला दूध नहीं देगा और जो आम रास्ते थे वो रास्ते तक बंद कर दिए गए थे। नहीं, गांव में अब भी शांति नहीं है, गांव में आज भी बहिष्कार जारी है हम लोगों का और बहिष्कार के कारण यूँ मान लिए कि हमारे जो दलित मोहल्ले थे उनमें दलितों के घर पर भाई कोई गाय रखता था, कोई भेड़ बकरी रखता था, कोई भैंस रखता था, तो गांव मेरे गांव के जो दलित समुदाय के लोग थे उन्होंने अपने स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं किया, अपने जो पशु थे, मवेशी थे, उनको आधे दामों पर बेच दिया और अपने खुद के रोजगार शुरू कर दिए। हमें मेरे गांव से 10 किलोमीटर दूर रांसी शहर है, वहां पे अपने भाई मजदूरी करनी शुरू कर दी या ऑटो रिक्शा ले लिया या सब्जी बेचनी शुरू कर दी या कोई फ्रूट की रेहड़ी लगा ली या कोई फास्ट फूड वगैरह की रेहड़ी लगा ली, इस तरह का वो कर दिया और बहिष्कार आज भी जारी है। हरियाणा में दलित उत्पीड़न के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पहले हुड्डा सरकार और अब BJP की सरकार में दलितों पर लगातार ज्यादती हो रही है, लेकिन चुनावों में दलितों के पैर धोने वाली सरकार चुनाव जीतने के बाद दलितों को पूरी तरह से नजरअंदाज करने लगती है। सुप्रीम कोर्ट की ये फटकार हरियाणा सरकार के लिए शर्मनाक है और हम उम्मीद करते हैं कि इसके बाद हरियाणा सरकार को अपने चरित्र में कुछ बदलाव करने होंगे, कुछ सुधार करना होगा। अब देखना ये भी होगा कि यूपी के 2-2 रिटायर्ड DGP भाटला कांड में क्या जांच करते हैं, क्या जांच रिपोर्ट देते हैं। इस रिपोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर आपका क्या ओपिनियन है, भाटला कांड में हरियाणा सरकार की भूमिका को आप कैसे देखते हैं, इस पर आप अपनी राय कमेंट के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और द न्यूज़ वीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB0002 35, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली।
आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।